इस बीच एक अहम खबर आपको बता दूं, अमेरिकी इलेक्शंस का सबसे ताजा अपडेट यह है कि सुपर पावर के इलेक्शन में कांटे की टक्कर चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप 213, जो बाइडेन 238 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। 213, 238, 270 फिनिशिंग लाइन, कौन पहले पहुंचता है इसका इंतजार। क्या स्विंग स्टेट्स में कुछ ऐसा हो सकता है जो डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर क्वांटम तरीके से आगे रख दे? क्या 238 की बढ़त बनाए हुए, 213 से जाहिर है 238 ज्यादा है, क्या इसी तरीके से बढ़त को और बड़ा करते हुए 270 के पहले करीब पहुंचते हुए जो बाइडेन नजर आएंगे, या डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं वो सच नजर आएगा? हालांकि आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो 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 जनता से पूछा गया वहां के सर्वेज में जो दिखाई दिया वो जो बाइडेन की तरफ पड़ना ज्यादा भारी है। लेकिन यह भी सच है कि कई बार ऐसा हुआ है कि जनता का जो रुझान था इलेक्टोरल कॉलेज ने उससे विपरीत किसी एक कैंडिडेट को जिताया है, और 5 बार ऐसा हो चुका है अमेरिकी चुनावों में। क्या ऐसा एक बार फिर से होगा, और क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए फिर से कुर्सी की राह बनती नजर आ रही है, या जो बाइडेन बाजी मार ले जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। रोहित के पास मैं चलता हूं। रोहित, कोई इंपॉर्टेंट चीज जो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, जो इस पूरे सिनेरियो को एक और पर्सपेक्टिव देने वाली हो? जी दिनेश, अभी पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, एरिजोना, नेवाडा के सारे वोट अभी तक काउंट नहीं किए गए, और मैं 3 स्टेट्स की बात करूंगा, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन की। 67% वोट काउंट किए गए पेंसिल्वेनिया में, 62 मिशिगन में और 78% विस्कॉन्सिन में। और अगर आप इसमें देखें कितने आगे चल रहे हैं ट्रंप और जो बाइडेन, तो अगर ये सारे मेल इन बैलेट सचमुच जो बाइडेन के लिए है, तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन जो है बाइडेन के फेवर में आ सकती है। और इसी उम्मीद से जो बाइडेन जो है वो कह रहे हैं कि सारे के सारे मेल इन बैलेट्स काउंट करने चाहिए, और संवैधानिक है, करने होना भी चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इनवैलिडेट कर दे ये जो बैलेट्स है इनको, शायद सुप्रीम कोर्ट पे जाके, या किसी तरह से ये जो उनका ट्वीट आया था कि आप हमसे इलेक्शन चुरा नहीं सकते उसको लेके। अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।